श्री हनुमान मंगल कवच। मंगल कवच करे जो धारण, उसका बाल न माका होवे। अंजन पुत्र पवन सुत हनुमत, महावीर सब संकट कोवे। नाम लेते ही हनुमान का, सारे संकट कट जाते। राम भक्त हनुमान भक्त के, निकट नहीं दुख भय आते। कितनी ही चिंता मन में हो, तुरंत नष्ट हो जाती क्षण। ध्यान धरत ही हनुमान का, विश्व विजय हो जाती रण। महावीर बजरंग बली की जय बोलो जी, जय बोलो। कर्म वचन मन तीनों ही के, पाप ताप सारे धो लो। सिया राम के पायक हनुमत, तीन लोक के देव विशेष। ब्रह्मा विष्णु शंकर सुमिरे, सुमिरे नारद शारद शेष। भक्ति भाव से जो कोई भी हनुमान जी को ध्याता है, अष्ट सिद्धियाँ नवनिधियाँ सारे जग की वह पाता है। पार लगा देते हैं हनुमत भक्तों की नैया को पार। परम प्रतापी हनुमान जी देते निज भक्तों को तार। दर्शन करते ही हनुमत के, लाखों विघ्न भाग जाते हैं। रोग शोक भय संकट विपदा पास नहीं आने पाते हैं। कैसी भी करनी खराब हो, सब सुधार देते हनुमान। बल बुद्धि विद्या बढ़ जाती, पाता है वह जग में मान। लाल लंगोटा लाल ही गोटा, लाल देह भारी बलवान। जग के पालक पोषक रक्षक, जय 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 हनुमान। राम चरण के सेवक हनुमत, राम चरण के सच्चे दास। जो हनुमत की सेवा करते, उनकी पूरी होती आस। कर सहायता रामचंद्र की, हनुमत ने सुग्रीव मिलाए। परिचय आपस में करवा कर, परम स्नेही मित्र बनाए। फिर रघुनायक रामचंद्र का, विकट काम करने हनुमान। लेकर मुंदरी राम प्रभु की, सीता को जनकीन प्रयाण। कटक बांदरों का कपीस ले, जामवंत को लेकर साथ। सीता को जन गए विश्व में, राम चरण में रख कर मात। जल थल नभ सब जगह खोज कर, सीता माँ का पता लगाया। भक्त जटायु के भ्राता ने, संपाति ने पता बताया। तब हर्षित हो हनुमान ने, कस कर कमर लंगोटा टांग। सोयोजन का समुद्र रागा, मार जोर से एक छलांग। सुरसा सीनी से छल करके, लंका में पहुँचे हनुमान। और वहाँ लंकिनी कुमारा, सीता खोज थके बलवान। मिली नहीं जब सीता माता, तब उदास हो हनुमत मन में। राम इष्ट का ध्यान लगाए, आँख मीच योगी को मन में। तुरंत राम का जाप सुना, तब हो आनंदित अमित विभोर। भक्त वेषण से मिले हनुमत, कीना कीर्तन हो रही हो। भक्त राम को लंका में पा, सुख से हनुमत नाचने लागे। हनुमान के दर्शन करके, सोए भागे भीषण जागे। मिले राम के भक्त प्रेम से, छाती लगा अंग लिपटाए। भक्त भीषण हनुमान जी एक दूसरे से हर्षाए। अपनी अपनी कथा सुनाई, दोनों ने रघुपति यश गाए। गए अशोक वाटिका, हनुमत विभीषण से पता लगाए। देख वहाँ सीता माता को, सबसे पहले कीन प्रणाम। सुखी अपार हुए हनुमंता, सरा देख रघुपति का काम। राम राम श्री राम रण, चट मिलने की मन में ठान। जूनी आगे पाँव पड़ाया, पहुँचा रावण दैत्य महान। उछल चढ़े छिप गए पेड़ पर, जहाँ विराजी थी सिया माता। रोध उठा हनुमत के मन में, सुनकर रावण की सब बात। पर रघुपति का कार्य के बिन प्रकट न हो जाऊं यह सोच। अंजनी पुत्र पवन सुत रुक गए, कर अपने मन में संकोच। चला गया जब रावण राक्षस, पा करके हनुमत अवकाश। राम नाम से अंकित डाली मुंदरी, सीता जी के पास। जोली में जागरी मुंदरी, देख सिया ने ली पहचान। बड़ा अचंभा करके देखा, गिरे चरण पर जब हनुमान। देख जरा से वानर शिशु को, सीता माँ मन में हर्षाय। बोली हनुमत से दो वाणी, दीन कहाँ से मुंदरी
माँ मैं लाया राम प्रभु की भेजी मुदरी अमिट निशानी, और सुनाई हनुमत ने जट सारी बीती कथा कहानी। सुनकर बातें हनुमान की नहीं हुआ विश्वास सिया को, बोली सीता तुम छलिया हो ना होता विश्वास जिया को। बोले हनुमत राम दूत मैं दे संदेशा उनका आया, राम प्रभु ने माँ को भोजन देकर मुंदरी मुझे पठाई। तब हनुमत ने बड़ा रूप निज महाविराट बना दिखलाया, तब सीता माता को उन पर सच्चा हृदय भरोसा आया। बस रहने दो जान गई मैं राम दूत तुम हनुमान, लो चूड़ा मणि प्रभु को देना जिससे मिलने का प्रमाण, और उन्हें कह देना हनुमत जल्दी आकर दर्शन देवे, कोटि प्रणाम चरण में कहना मेरी डूबत नैया खेवे। जब हनुमत ने चूड़ा मणि को सिया चरण में शीश झुकाया, ऊपर हाथ शीश पर रखकर सीता जी ने अमर बनाया। सीता बोली हनुमान जो नाम तुम्हारा लेगा मन से, उसके संकट मिट जावेंगे घर भर जावेगा जन तन से। शीश झुकाकर बोले हनुमत आज्ञा दो बस अब जाऊं, भूख लगी हो आज्ञा हो तो वन के कंद मूल फल खाऊं। वा आज्ञा सीता माता की प्रमदा वन के वृक्ष उखाड़, अरु तड़ाग मत डाले सारे तोड़ फोड़ कर भवन उजाड़। तब रखवाले रक्षक राक्षस हनुमान से डर कर भागे, रावण के दरबार पहुँच कर रोकर कथा सुनावन लागे। महाराज एक वानर ने है वृंदावन के वृक्ष उखाड़े, अशोक वन से सब तरवर बाग बगीचे भवन उजाड़े। सुनकर रावण ने झट भेजे उन्हें पकड़ने राक्षस सारे, अरु अक्ष कुमार को भेजा जिन सब को हनुमत ने मारे। जब छोटा सा वानर भी न किसी तरह से बस में आया, तब रावण ने मेघनाथ को उन्हें पकड़ने तुरंत पठाया। मेघनाथ के ब्रह्म फाश निज इच्छा से बंद हनुमान, रावण के दरबार पहुँच कर मन में उर्षित हुए महान। विकट रूप लख बजरंगी का थर्राया रावण घबराए, अरे वानर सत्य बोल तू मेरी लंका में क्यों आया। सीता माता की सुध लेने राम प्रभु ने मुझे पठाए, और तुम्हारे लिए संदेशा राम दूत ने बन कर लाए। भला यदि रावण चाहते हो झटपट सीता को लौटाओ, मांग क्षमा की राम प्रभु से चरणों में जाकर पड़ जाओ। क्रोधित हो रावण झट बोला पकड़ इसे राक्षस खा जाओ, विभीषण के कहने से रुक बोला इसकी पूंछ जलाओ। रोई तेल लपेट पूंछ के हनुमान की पूंछ जला दी, जला पूंछ से सारी लंका हनुमान निज ज्योति जगा दी। बुझा पूंछ मिल सीता माँ से ले चूड़ा मणि हनुमत आए, राम चरण छू चूड़ा मणि दे सीता के संदेश सुनाए। हनुमान जो भी संकट में तुमको याद करेगा, जब ही निर्भय हो जावेगा वो ही मिट जावेंगे संकट सभी। परम प्रसन्न हुए रघुराई हनुमान को गले लगाए, इस पृथ्वी पर तुम सब कोई महावीर ना जननी जाया। बोले राम प्रभु हो गदगद अजर अमर हो तुम हनुमान, भक्त तुम्हारे सदा सुखी हो मैं देता तुमको वरदान। फिर लंका पर करी चढ़ाई लेकर हनुमान को साथ, लड़ी लड़ाई महाभयंकर रावण से जाकर रघुनाथ। शक्तिवान से जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए राम अकुलाए, ला संजीवनी हनुमान ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। अई रावण हर राम लखन को देव की बलि लगा चढ़ाने, पहुँचे तक पाताल लोक में राम लखन हनुमत बचाने। अही रावण को मार पवन सुख अपने कंधों पर बैठाए, नाचत नाचत अपने दल में झटपट राम लखन को लाए। महायुद्ध में हनुमान ने रावण के सब राक्षस मारे, रघुनायक ने रावण मारा विजय जीत के विजय नगाड़े। राम लखन सीता के संग में अंजनि पुत्र अवध को धाय, रामचंद्र के साथ सभी जन हनुमान के यश को गाए। वो ब्राह्मण अरु साधु संत के भक्तों के रक्षक हनुमान।
हनुमान, धर्म सनातन के साक्षक महावीर बजरंग महान, नारद शारद वेद ब्रह्म सब गाते हैं जिनका गुणगान, ऐसे ज्ञानी राम भक्त हैं अंजनी पुत्र वीर हनुमान, जो कोई भी भक्त प्रेम से मंगल कवच करेगा पाठ, उसके दुख दरिद्र मिटेंगे और रहेगा सब कुछ ठाट, भक्त गिरीश जयंती के दिन संवत 2024 आषाढ़स्य शुक्र द्वितीया जुका चरण हनुमत केशी, मंगल कवच किया ये पूरा जो कोई भी गाएगा, संकट मिट जावेंगे सारे परम मोक्ष पद पावेगा, सियावर रामचंद्र की जय, अपमान पुत्र हनुमान की जय।